दोस्तों अगर आप भी अपने जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो फ्रेग्रेंस को कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, कितनी तरह की होती है और उसके बारे में जितनी भी डिटेल जानकारी हो सकती है उसे जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिकल सर जी। तो दोस्तों आज बात हम करेंगे फ्रेग्रेंस की, जो हम अपने सारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चाहे हमारा फ्लोर क्लीनर हो, लिक्विड डिटर्जेंट हो, डिश वॉश हो, या हमारे कार पॉलिशेस हो, जितने भी तरह के हम रूम फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर, जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उन सब में हम फ्रेग्रेंस ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जिसकी जितनी बढ़िया खुशबू है वो प्रोडक्ट भी उतना अच्छा है, ग्राहक को पसंद भी ज़्यादा आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्रेग्रेंस जो है वो इतने महंगे भी हैं अगर हम उसे फालतू इस्तेमाल कर देते हैं, और जितना हमें जिस तरह का रिजल्ट हमें चाहिए वो नहीं मिलता है, तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और वो रिजल्ट भी हमें नहीं मिल पाता। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और सबसे ज़रूरी बात जो लोगों की प्रॉब्लम है कि वाटर सोल्यूबल कैसे बनाना है। लोगों का सेपरेशन हो जाता है, वो ऊपर तैर जाती है जितनी भी फ्रेग्रेंस है, तो उस सब को बचाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोज़ की जानकारी तुरंत मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो हम फ्रेग्रेंस यूज़ करते हैं वो फ्रेग्रेंस होती क्या है। फ्रेग्रेंस जितनी भी होती हैं इस दुनिया में वो दो तरह की होती हैं। एक होती है जो नेचुरल चीज़ों से मिलकर निकाली गई है, उसे कहते हैं फ्रेग्रेंस जो है वो एसेंशियल ऑयल्स उसको बोलते हैं। जहाँ कहीं भी लिखा होगा एसेंशियल ऑयल, मतलब वो नेचुरल तरीके से फ्रेग्रेंस निकाली गई है, और जहाँ पर भी कहीं लिखा होगा फ्रेग्रेंस ऑयल तो वो समझ लीजिएगा वो सिंथेटिक है, वो नेचुरल नहीं है, वो सिंथेटिक तरीके से बनाई गई है। सिंथेटिक तरीके से कैसे, कि जैसे जो और केमिकल्स हैं उनको मिलाकर जो स्मेल देते हैं उस तरह से स्मेल डेवलप की जाती है, उसको फ्रेग्रेंस ऑयल कहते हैं या सिंथेटिक ऑयल भी कह सकते हैं उसको। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं दोस्तों वो एक तो बहुत महंगे हैं, दूसरा क्या है कि उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो कम होती है। दोस्तों सबसे बड़ा फर्क जो एसेंशियल ऑयल और सिंथेटिक फ्रेग्रेंस ऑयल में है कि जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनके अंदर जो खास तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, स्किन बेनिफिटिंग, जैसे जितने एरोमा ऑयल्स होते हैं, एरोमा थेरेपी होती है, उन सब के लिए एसेंशियल ऑयल बहुत ज़रूरी है। वो काम सिंथेटिक फ्रेग्रेंस ऑयल्स से नहीं होगा, लेकिन क्या है कि उस एसेंशियल ऑयल्स में लिमिटेड फ्रेग्रेंस आती हैं, भाई जितनी तरह के नेचुरल प्रोडक्ट हैं वही आएंगे। अब जितनी नई नई तरह की फ्रेग्रेंस आ रही हैं वो सब सिंथेटिक फ्रेग्रेंस में ही हो सकती हैं, जितने अलग अलग तरह की वेराइटी हो सकती है वो सिंथेटिक में ही हो सकती है, इसलिए सिंथेटिक भी चल रही है, सिंथेटिक सस्ती भी है, और जितनी भी इनकी क्योंकि ड्यूरेबिलिटी और हर एक तरह के जो यूज़ है उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो इसलिए ये सिंथेटिक फ्रेग्रेंस ऑयल ही आजकल ज़्यादातर सब तरह से काम में आ रही हैं, जहाँ पर भी स्किन का, हेल्थ का रिलेटेड कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो कोई बेनिफिट है नहीं इनका। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे लिक्विड डिटर्जेंट, डिश वॉश, कार पॉलिश, ये जितने भी हम बना रहे हैं, फ्लोर क्लीनर वगैरह, इन सब में सिंथेटिक फ्रेग्रेंस ऑयल ही चल रही है ज़्यादातर। एसेंशियल ऑयल तो बहुत कम जगह पर लग रहा है। तो बात करते हैं कि भाई अब जैसे सिंथेटिक फ्रेग्रेंस ऑयल आप लगाते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अब जितने भी आप फ्रेग्रेंस ऑयल ले रहे हो तो इसमें दो चीज़ें और ज़रूरी होती हैं। एक तो होता है करियर ऑयल। करियर ऑयल भी जो एसेंशियल ऑयल्स हैं और जो एरोमा थेरेपी वगैरह के लिए यूज़ होते हैं उसमें ज़्यादा यूज़ है। करियर ऑयल हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कोई खास बेनिफिट का नहीं है, इसलिए हमें उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। फिर एक चीज़ की होती है फिक्सेटिव। फिक्सेटिव ज़रूरी है। अब फिक्सेटिव जो होता है दोस्तों, फिक्सेटिव का क्या काम है, फिक्सेटिव जो परफ्यूम या फ्रेग्रेंस को लाइफ देता है। लाइफ मतलब जैसे कि अगर हमने अभी कहीं स्प्रे कर दिया तो ये कितनी देर इस एनवायरनमेंट में रहेगा, या कपड़ों पे डाल दिया तो कपड़ों पर कितनी देर रहेगा, ये होता है फिक्सेटिव। फिक्सेटिव क्या करता है कि जो जितना भी ये ऑयल है इसका जो वेपर प्रेशर है उसको थोड़ा सा कम करके
इस हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेता है उसके साथ ब्लेंड होके कि वो धीरे धीरे से जाकर परफ्यूम निकलेगा हवा से, तो ज्यादा देर तक महक रहेगी, उसकी खुशबू ज्यादा देर तक रहेगी। जैसे जितने भी तरह के जिनमें होता है ना लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम, उनमें फिक्सेटिव का रोल है, क्योंकि परफ्यूम की तो एक अपनी स्पीड है, हर एक ऑयल की एक अपनी स्पीड है जिस पे वो वेपराइज हो जाएगा, लेकिन उसको उस स्पीड को जो मॉडिफाई करने का काम है वो फिक्सेटिव करता है। फिक्सेटिव बहुत तरह के हैं, फिक्सेटिव हर एक तरह, हर एक ऑयल के हिसाब से, हर एक फ्रेग्रेंस के हिसाब से बहुत सारे फिक्सेटिव हैं। कुछ जो मेन चलने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं, कुछ जो चलते हैं वो है स्क्लेरियोलाइड, ग्लैक्सोलाइड, बेंजाइल बेंजोएट, डाईइथाइल थैलेट, ट्राईथाइल सिट्रेट और डीपीजी, डाइप्रोपाइलीन ग्लाइकोल, टोनेलाइड, मिथाइल आयोनोन। अब ये सब जो हैं फिक्सेटिव, ये अलग अलग फ्रेग्रेंस के हिसाब से अलग अलग डलते हैं। सिट्रस टाइप की स्मेल है उसके लिए अलग डलेगा, वुडी स्मेल है उसके लिए ग्लैक्सोलाइड डाल सकते हैं, और जो बिल्कुल ऑर्डरलेस हैं उनके लिए जैसे ये बेंजाइल बेंजोएट, डीपीजी, ट्राईथाइल थैलेट, ये सब काम करें। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है डीपीजी, डाइप्रोपाइलीन ग्लाइकोल। ये जो है जितने भी परफ्यूम्स या फ्रेग्रेंस ऑयल्स हैं उनको डाइल्यूट करने के भी काम आता है। जितनी भी मिक्सिंग होगी इसमें डीपीजी की होगी ज़्यादातर, अल्कोहल का नंबर बाद में आता है, पहले डीपीजी डल जाएगा। जितने भी फ्रेग्रेंस परफ्यूम ऑयल्स होते हैं उनको बोलते हैं कट, कितने कट का है, मतलब कितने परसेंट की प्योरिटी है। तो जितनी भी जो कटिंग ऑयल है वो डीपीजी है मेनली, उसमें डीपीजी मिला देंगे और वो उतना ही डाइल्यूट हो जाएगा, प्रॉपर्टीज उसकी वही रहेंगी, उसी तरह की फ्रेग्रेंस आएगी, पर बिल्कुल स्मेल बढ़िया उसी तरह की आएगी जैसी उसकी है, और डीपीजी उसमें मिला देंगे उसी हिसाब से वो डाइल्यूट होता जाएगा। अब एक चीज़ आपने सुनी होगी परफ्यूम्स में फ्रेग्रेंस में नोट्स, ये नोट्स क्या चीज़ है,